Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastav. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, हमने लर्न टू टीच चैनल पे अपनी जो लास्ट वीडियो कवर की है वो है एडजस्टमेंट का पार्ट वन, जिसमें हमने जाना है एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट और क्या कारण है एडजस्टमेंट के, माल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट, क्या क्या कारण हो सकते हैं माल एडजस्टमेंट के। तो इसको जानने के बाद आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो एडजस्टमेंट के बेसिकली जो तीन मेजर कारण है वो क्या है और कैसे इसका जो इसका नेगेटिव इफेक्ट है एडजस्टमेंट का, जब बच्चा एडजस्ट ना होके माल एडजस्टमेंट का शिकार होता है तो उसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट उसको उस बच्चे में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट पार्ट टू। स्टूडेंट, आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो से ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट, जिसे कि हम समायोजन कहते हैं वो क्या है। तो नॉर्मली जो उन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं बहुत ही क्विकली ये बताना चाहूंगी कि एडजस्टमेंट एक ओवरऑल आपका इमोशनल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है जो कि आप अपने एनवायरमेंट से उस सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए करते हो। यानी कि एक बच्चा जो कि एक फैमिली में पैदा होता है, चार लोगों के बीच में रहता है, जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ता है तो वो न्यू न्यू एडजस्टमेंट सीखता है। और इवन मैं बात करूँ तो सोसाइटी में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हमें एडजस्टमेंट सीखना होता है। अगर हमने अपने आप का एडजस्टमेंट नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम माल एडजस्ट के शिकार होते हैं और सोसाइटी से हमें धीरे 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 काट दिया जाता है। तो यही रीजन है कि जब आप बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, जब आप सोसाइटी में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हो या किसी डेजिग्नेशन में पहुंचते हो या सोसाइटी का पार्ट बनते हो तो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटीज रूल, रेगुलेशन, तौर तरीके जो चीजें हैं सारी। अब बात आती है स्टूडेंट, व्हाई सम स्टूडेंट आर नॉट एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। जो बच्चा, जब हम स्कूल या कॉलेज में जब हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो यस, ये उनका एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, बट मे बी देयर आर सम कॉजेस बिहाइंड दिस, इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। तो उस कारण पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है जिसकी वजह से जो बच्चा है वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, वो हम देख सकते हैं फैमिली कॉजेस, यानी कि फैमिली रिलेटेड इश्यूज अगर बच्चे के साथ हैं तो कहीं ना कहीं वो माल एडजस्ट का शिकार होगा। अब उसमें भी फैमिली कॉजेस में भी बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे, एडजस्टमेंट पे, बिहेवियर पे, इंटेलेक्चुअल पे, सभी पे अपना असर दिखाती है। तो सोशली चिल्ड्रन दैट कम फ्रॉम ए ब्रोकन फैमिली, ऐसी फैमिली जो कि टूटी हो, सिंगल पेरेंट्स हो, डाइवोर्सी पेरेंट्स हैं या फिर मदर फादर अलग रह रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में जो बच्चा है कहीं ना कहीं वो माल एडजस्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। पेरेंट आर अनएम्प्लॉयड, हो सकता है कि उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो, पोजेस अ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या फिर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो, मतलब वो बच्चों को किसी तरह से मुश्किल से पढ़ा पा रहे हो, उसके जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। पेरेंट हु आर अब्यूजिव, गाली गलौज हो रहा है, अच्छे लफ्जों में बात नहीं की जा रही है बच्चों से, रिस्पेक्ट एक दूसरे की नहीं है, ऐसी भी फैमिली होती है जहाँ पे लोग नॉर्मली खुशी खुशी नहीं रहते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो उसका असर भी हमें बच्चे के एडजस्टमेंट पे देखने को मिलता है। तो बॉन्ड बिटवीन अ पेरेंट एंड चाइल्ड कैन अफेक्ट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंट। जैसा बॉन्ड हुआ है बच्चे का उसके पेरेंट्स के साथ फ्रॉम द बिगनिंग, इन्फेंट से लेके जब वो चाइल्डहुड में जाता है, चाइल्डहुड के बाद जब वो एडोलसेंट में जाता है, तो उसका हमें धीरे धीरे असर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो फैमिली एक ऐसा आप कह सकते हो फैक्टर है सोसाइटी का जो कि एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड, बच्चा उस पर्टिकुलर फैक्टर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, और अगर वो एनवायरनमेंट उसको हेल्दी नहीं मिलता है तो उसका सीधा सीधा असर बच्चे के एडजस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पड़ता है। इसके आगे स्टूडेंट हम बात करते हैं फैमिली कॉज के अलावा स्टूडेंट जो दूसरा असर हम देखते हैं बच्चा क्यों माल एडजस्ट का शिकार होता है, तो वो होता है बच्चे का खुद का पर्सनल कॉज। पर्सनल कॉज कहीं ना कहीं जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है और एक्सट्रेंसिक भी हो सकता है। यानी कि बच्चा बहुत ही शाई नेचर का है, उसको ऐसा एटमोसफियर मिल रहा है कि वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसने वो चीज़ें कभी देखी नहीं है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है वो सारे सिचुएशन। तो ये सारी कुछ पर्सनल कॉजेज हैं जिससे कि बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा।
पा रहा है, इसमें फिजिकल एंड इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम आ सकती है। या तो बच्चा फिजिकली किसी प्रॉब्लम में है, इमोशनली किसी प्रॉब्लम में है, या मेंटल किसी प्रॉब्लम में है, तो ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है बच्चे के पर्सनल गोल, जो कि उसके उसको माल एडजस्ट का शिकार बना रही है। एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड लिमिट्स इंटरेक्शन। बहुत से बच्चे आइसोलेशन को पसंद करते हैं, उन्हें लोगों से मिलना पसंद नहीं है, इंटरेक्शन करना पसंद नहीं है, अपनी बातें शेयर करना पसंद नहीं है, तो ऐसे बच्चे एडजस्टमेंट का माल एडजस्ट का शिकार होते हैं और एडजस्टमेंट कम कर पाते हैं। इमोशन रेगुलेशन प्ले अ रोल इन माल एडजस्टमेंट। इमोशनल रेगुलेशन, कभी कभी मूड स्विंग कर जाना, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, हाइपर टेंशन लेना या हाइपर एग्रेसिव हो जाना, तो ये सारी चीजें हैं जो पर्सनल कॉज हैं और बच्चों को माल एडजस्ट का शिकार बनाती हैं। फैमिली और पर्सनल कॉज के अलावा भी स्टूडेंट कुछ स्कूल रिलेटेड कॉज हैं जो बच्चे को माल एडजस्ट का शिकार बनाती हैं, तो ये फैक्टर भी आजकल हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऑल दो स्कूल्स हो गए या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं आजकल के डेट में, वो एक कॉम्पिटेटिव फील्ड में हैं, वो अपने को बेहतर क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए बच्चों पे बहुत ज्यादा बर्डन देने को तैयार हैं। दे आर जस्ट कंपेयरिंग ईच फ्रॉम देयर ईच इंस्टीट्यूशन, और उसकी वजह से जो बच्चा है कहीं ना कहीं वो उस सिचुएशन में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि स्कूल रिलेटेड हैं, जो कि माल एडजस्ट करती हैं बच्चों को, जिसमें कि है विक्टिमाइज्ड बाय देयर पीयर एट स्कूल। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बच्चे ने कुछ गलत काम किया और उस गलत काम को देखा उसके पीयर ने, यानी कि उसके कुलीग, उसके फ्रेंड, उसके जो पूरा दायरा है, सर्किल है, उसके ही लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया कि तुमसे ये गलती हुई है, तो वो उस गलती को एक तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाता है, अपने आप को उस चीज से बाहर नहीं निकल पाता है, अपने को गिल्ट फील करता रहता है और नॉर्मल सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाता है। टीचर्स हु डिस्प्ले अनफेयर बायस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रन, ये बहुत ही बड़ी चीज है और बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बट बीइंग टीचर हमें इस चीज से दूर रहना चाहिए कि हमें कभी भी बच्चों में अनफेयर बिहेवियर या डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, बायस्ड एटीट्यूड हमें बच्चों में नहीं लाना चाहिए। अनहेल्दी नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस, जो आपका पीयर है अगर वो आपके प्रति नेगेटिव है या अनहेल्दी एनवायरनमेंट रख रहा है, इन्फ्लुएंसेस उससे आ रहे हैं, सच एज डेलिक्वेंसी कैन कॉज चिल्ड्रन टू बी माल रेजिस्टेंट सोशल एनवायरनमेंट, तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों में सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड माल एडजस्टमेंट का शिकार होते हम इसमें बच्चों को देखते हैं। तो ये तो बेसिक तीन कारण थे जो कि बच्चे को माल एडजस्टमेंट की तरफ ले जाते हैं। वहीं इन सारी चीजों का अगर ओवरऑल हम व्यू करें तो ओवरऑल बच्चे को कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को हमें मिलता है, तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, हमने एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट को बखूबी अब समझ लिया है, माल एडजस्टमेंट के कारणों को भी जान लिया है, तो ओवरऑल जब ये माल एडजस्टमेंट काफी लंबे पीरियड तक हो जाता है तो इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, और वो इफेक्ट मेजर रूप से अगर मैं बात करूँ तो पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस में और सोसाइटल बिहेवियर में देखने को मिलता है। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस से यहाँ पे मतलब है कि बच्चे का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा, भले ही उसमें हम कितने रिसोर्सेज खर्च कर लें, चाहे जितनी मनी खर्च कर लें, एक से अच्छे से अच्छे ट्यूशन लगवा दें, अच्छे से अच्छे टीचर हो, पेरेंट्स हो, जितना भी, अगर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा वो लो होता जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सोसाइटल बिहेवियर ये है, जरूरी नहीं कि बच्चे सोसाइटी की तरफ बढ़े, बट वो अपने आप को हार्म पहुंचा सकता है, अपने आसपास के सराउंडिंग को हार्म पहुंचा सकता है, जो उसके साथ रह रहे हैं, इन केस अगर आपको